हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल सब्लाइम वर्ल्ड। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे मिल रहे हैं बहुत दिनों बाद, लेकिन आज हम बात करेंगे मायाजाल की नगरी सपनों की दुनिया मुंबई का। मुंबई एक दिन में घूमने की तो जगह नहीं है, लेकिन अगर आप एक दिन में घूमना चाहते हैं तो कैसे मुंबई की 5 फेमस प्लेस वन डे में आप कवर कर सकते हैं। तो यहाँ आने के लिए सबसे पहले हम दादर आए और दादर से छत्रपति शिवाजी टर्मिनल आए। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के बाद आप कोई भी ऑटो या टैक्सी ले सकते हैं। ऑटो तो इधर नहीं मिलेगा, मुंबई में टैक्सी चलता है, तो आप सबसे पहले टैक्सी ले सकते हैं और वहाँ से सीधे आप मुंबा देवी जा सकते हैं। मुंबई को मुंबा देवी के ही नाम से मुंबई बुलाया जाता है। 1996 तक इसे बॉम्बे बुलाया जाता था, लेकिन उसके बाद मुंबा देवी यहाँ पर प्रसिद्ध होने के कारण इसे मुंबई बुलाया गया। तो हम सुबह के 8 बज रहे हैं और हम पहुंच गए हैं मुंबा देवी। अभी हमें दर्शन तो करना है, तो बहुत लंबी लाइन है और सुबह के 9 बजे जाकर हमें इसके दर्शन, माता रानी के दर्शन प्राप्त हुए। और इसके अगल बगल सिद्धि विनायक और भी अदर टेंपल्स हैं, आप वहां भी जा सकते हो। इस मंदिर के परिवेश में भी आप सिद्धि विनायक का दर्शन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर दर्शन करने जा रहे हैं और आप भी हमारे साथ आइए। मुंबा देवी के आशीर्वाद लेने के बाद अभी हम जा रहे हैं दूसरे प्लेस पे। सेकंड प्लेस जाने से पहले हमें बीच में मिल गया शूटिंग का एक प्लेस जहाँ पे शूटिंग हो रहा था, तो हमने यहाँ थोड़ा सा लिया ब्रेक और हम चले गए शूटिंग देखने। यहाँ पे एक मराठी मूवी की शूटिंग चल रही थी और देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा था, तो हम यहाँ थोड़ा सा ब्रेक लिए हैं। अब हम चलेंगे सेकेंड प्लेस जो है बहुत ही फेमस, जिसका नाम है गेटवे ऑफ इंडिया। तो अभी हम वहाँ पर चलेंगे। हम पहुंच गए हैं अपने सेकंड प्लेस पर जिसका नाम है गेटवे ऑफ इंडिया, और ये टूरिस्ट का सबसे लोकप्रिय प्लेस है जहाँ पे हर मंथ पर मंथ हमेशा टूरिस्ट आते जाते रहते हैं और लाखों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं। हमेशा यहाँ आपको भीड़ देखने को मिलेगा, चाहे वो कोई भी मौसम हो। और इसके जस्ट अपोजिट साइड में है ताज होटल, और ताज होटल के जस्ट बगल में है ताजमहल टावर। गेटवे ऑफ इंडिया के अपोजिट साइड में ताज होटल, ताजमहल टावर है, लेकिन उसके पीछे के एरिया में आपको पोर्ट मिलेगा जहाँ पे आप बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं और दूसरे साइड भी जा सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं इसके पीछे के साइड, लेकिन हम बोटिंग नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ कई बार आ चुके हैं और कितनी बार बोटिंग कर चुके हैं तो अभी तो मन नहीं है। और ये सामने का है ताज होटल और इसके जस्ट बगल में ताजमहल टावर। तो ये दोनों आपको एक जगह देखने को मिल जाएगा और आप आराम से आओ, किसी भी टाइम आओ। सबसे अच्छी बात है यहाँ आने का कोई फ़ीस नहीं लगता है, बाहर से कोई भी, मतलब आपको एक रुपये भी फ़ीस नहीं लगेगा और आराम से घूमिए। इसके आसपास बहुत सारे स्टॉल हैं, आप यहाँ पे पाव भाजी और मुंबई का सबसे बड़ा फेमस बड़ा पाव, ये सब आप खा सकते हो अगल बगल। तो अब यहाँ पे हम आकर घूमेंगे थोड़ी देर, और अभी यहाँ पे 11 बज रहे हैं और इसके बाद हम जाएंगे दूसरे प्लेस पे। मुंबा देवी से ताज होटल आने के लिए आपको आराम से कोई भी टैक्सी मिल जाएगा। तो गाइस, अभी तक हम लोग मुंबा देवी, ताज होटल और गेटवे ऑफ इंडिया देख चुके हैं। अब हम चल रहे हैं अपने फोर्थ प्लेस पर जो गेटवे ऑफ इंडिया के वॉकिंग डिस्टेंस पे है, जिसका नाम है गिरगांव चौपाटी। यहाँ आसपास काफ़ी सारे स्टॉल है, आप आराम से खाओ, वॉक करते करते आ जाओ गेटवे ऑफ इंडिया से। आप चाहो तो टैक्सी ले सकते हो, लेकिन बहुत ही पास में है। और यहाँ आने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने आए हैं। और यहाँ पे सबसे स्पेशल चीज़ ये है कि इसका यहाँ पे लोग मालिश करवाने आते हैं, सर जिसको दर्द होता है चम्पी वम्पी लेने, तो आराम से लोग एकदम मस्त गोवा वाली फीलिंग आती है। आप यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हो, आपको लगेगा ये नहीं मुंबई में है, आपका असर हम लोग गोवा में है, तो बिल्कुल वैसा ही फीलिंग आएगा। तो अब हम लोग इसके बाद जाएंगे अब 5वें और लास्ट प्लेस पर, लेकिन पहले हम यहाँ पर इंजॉय करेंगे। आज हमारे दिन की शुरुआत हुई माता रानी के मुंबा देवी के आशीर्वाद से, और शाम का अंत होगा सनसेट देखने से। और सनसेट देखने का सबसे अच्छा प्लेस है मरीन ड्राइव, जिसका आप बहुत बार नाम सुनोगे मुंबई में मरीन ड्राइव। ये 3 किलोमीटर के आसपास फैला हुआ प्लेस है जो काफ़ी सुंदर लगता है। अगर आप मरीन ड्राइव की ओर फेस करो तो शांति ही शांति लगेगा, और उसके जस्ट पीछे मुड़ जाओ तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखेगी, काफ़ी अच्छा लगता है। आप यहाँ पर शाम को ज़रूर आओ और शाम को यहाँ पर सनसेट देखो। तो हम 1.5 घंटे वेट किए सनसेट देखने के लिए और हमें काफ़ी इन्जॉय किए हमने।
आप भी देखिए। और अगर आप मुंबई और मरीन ड्राइव नहीं आए तो आपको फिर आपको बहुत अधूरा लगेगा, जैसा कि आप बनारस गए और घाट नहीं गए, बिल्कुल वैसा ही मुंबई में मरीन ड्राइव है। सो गाइस, आपको व्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। एंड हम लोग आज सुबह सुबह गए मुंबा देवी, उसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया, ताजमहल होटल, ताजमहल टावर देखे, और इसके बाद हम लोग गए गिरगांव, और लास्ट में आए वन ऑफ द लिस्ट मरीन ड्राइव, सबसे ब्यूटीफुल। और अब हम मरीन ड्राइव पे हैं, आप व्यू का एंजॉय करिए। आपको कैसा लगा वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। वन डे में मुंबई का इतना प्लेस देखना बहुत ही अमेजिंग है, और सब पास में है और आप आराम से देख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है, आप एक दो दिन का ही टाइम है, तो आप इतना प्लेस आराम से कवर कर सकते हैं। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टाटा।